मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूँ। अपन दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी से आगे आ जाते हैं। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही होगी ऑनलाइन की, आप मन लगा के पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे पहले की वीडियो में मैंने दक्षिण अफ्रीका में गोवंश का कहाँ कहाँ वितरण है और गोवंश से संबंधित वीडियो बना दिया था, उसी से आगे आज है दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन और पशुपालन में दूध व्यवसाय। तो दक्षिण अफ्रीका में दूध व्यवसाय, दूधशालाएं, कृषि दो रूपों में होती है। यहाँ गहन दूधशाला कृषि और डेयरी रेचिंग, यहाँ जो दूध व्यवसाय है दक्षिण अफ्रीका में वो दो रूपों में होता है। एक गहन, पहला आपका है दूध व्यवसाय में गहन, गहन डेयरी, गहन डेयरी के रूप में डेयरी दूधशाला। ये पहला है, पहले प्रकार का है। और दूसरे प्रकार की जो दूध व्यवसाय है वो डेयरी रेचिंग, डेयरी रेचिंग दूसरे प्रकार का है व्यवसाय, डेयरी रेचिंग। पहले प्रकार का जो डेयरी का उत्पादन होता है, प्रथम प्रकार की जो आपके डेयरी का है, डेयरी कृषि है, वो जहां प्राकृतिक चारा का के साथ साथ पशुओं को चारा भी खिलाया जाता है। यहां पर क्या है, पहले वाले में क्या है, प्राकृतिक चारागाह के साथ में जो चारे का उत्पादन भी किया जाता है, ये दोनों ही घास है चारा खिलाया जाता है, प्राकृतिक घास भी खिलाई जाती है और साथ साथ में प्राकृतिक रूप से चारण के साथ साथ में पशुओं के लिए चारा भी खिलाया जाता है, पशुओं के लिए चारे का उत्पादन किया जाता है। ये दोनों प्रकार के जो घास हैं, इसमें प्राकृतिक घास भी है और चारे का उत्पादन किया जाता है। इसमें गहन डेयरी दूधशाला में, जहाँ गहन दूधशालाएं हैं वहां पर क्या है कि प्राकृतिक रूप से चारागाह भी है और उनको क्या है कि चारा भी उत्पन्न किया जाता है, पशुओं को खिलाने के लिए चारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो रेंचिंग डेयरी है आपकी, डेयरी रेंचिंग है, ये आपका व्यवसाय है, ये मुख्य रूप से आपका डेयरी रेंचिंग का है, ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, प्राकृतिक चारागाह। इसमें जो पशुपालन किया जाता है वो पूर्ण रूप से क्या होगा, प्राकृतिक। दूसरे प्रकार का है वो पूर्णतः प्राकृतिक घास पर निर्भर है, ये पूर्णतः प्राकृतिक घास इस पर निर्भर है। तो जो डेयरी है यहाँ की, यहाँ का दूधशाला है वो दो प्रकार की है, गहन दूधशाला और डेयरी रेचिंग, डेयरी रेचिंग दो प्रकार की है। जो प्रथम प्रकार की है प्रचलित है, जहाँ प्राकृतिक चारागाह के साथ साथ में पशुओं के लिए चारा भी खिलाया जाता है, पशुओं के लिए चारा भी खिलाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो डेयरी का है, डेयरी का प्रकार है दूसरा, दूसरे प्रकार का डेयरी पूर्णतः प्राकृतिक घास पर निर्भर है, उच्च वेल के घास के मैदान, उच्च वेल के घास के मैदान। यहां पर क्या है, डेयरी उद्योग का काफी विकास हुआ है, उस वेल्ड के घास के मैदान जहां छोटी और मीठी घास, यहां क्या है, छोटी एवं मीठी घास उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में डेयरी व्यवसाय है उसका अत्यधिक विकास हुआ है। उस वेल्ड में जो ये बीच वाला भाग आपको उस वेल्ड का है, उस वेल्ड में ये वाला बीच का भाग है उस वेल्ड का, उस वेल्ड में क्या है कि जो घास के मैदान है वहां छोटी और मीठी घास पैदा होती है, दूध व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। ये क्या है, ये दूध व्यवसाय के लिए
सर्वोत्तम शिखर है। कौन सा हो गया? हाई वेल्ड। उच्च वेल्ड जहां क्या है कि मैदानों में छोटी छोटी घास और मिट्टी घास पैदा होती है, दूध व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम शिखर है, क्योंकि यहाँ का तापमान कभी भी क्या है 29 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा नहीं रहता है कभी भी। यहाँ का जो तापमान है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी भी क्या है ऊंचा नहीं रहता है, ऊंचा नहीं रहता है, तापमान सम बना रहता है। तापमान कभी भी क्या है 29 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी भी मौसम में तापमान है वो कभी भी 29 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा कभी भी नहीं जाता है। यहाँ जो फसल है वो मुख्य रूप से क्या है उत्पादक क्षेत्र, ये क्या है आपका फसल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर भी क्या है कि फसल उत्पादक क्षेत्र है वहां पर क्या है कि इस प्रकार की डेयरी का व्यवसाय है वो अधिक विकसित हुआ है। इसके साथ साथ नगरों में ताजे दूध की मांग अधिक होने के कारण से ताजे दूध का उत्पादन बड़े नगरों के पास में अधिक हुआ है। ताजे नगरों में क्या है दूध की मांग अधिक होती है, नगरों के पास में ताजे दूध की मांग क्या होती है, मांग नगरों के पास में अधिक होती है, इसलिए ये व्यवसाय क्या है नगरों के पास में भी खूब अधिक विकसित हुआ है, वहां पर भी क्या है खूब अधिक। तो जहां क्या है नगरों के निकट ताजे दूध की मांग अधिक होने के कारण से ताजे दूध का उत्पादन बड़े नगरों के निकट भी अधिक हुआ है, क्योंकि नगरों के निकट क्या है बड़े बड़े नगरों के निकट दूध की मांग अधिक रहती है, इसलिए क्या है ये व्यवसाय है दूध व्यवसाय है ये बड़े नगरों के निकट भी काफी मात्रा में इसका विकास हुआ है, क्योंकि वहां पर क्या है बड़े नगरों के निकट क्या है कि ताजे दूध की अधिक मांग होती है, इसलिए क्या है कि ताजे दूध की मांग अधिक होने के कारण से जो नगरों के निकट है ये डेयरी व्यवसाय है ये अधिक है। चूंकि ताजे दूध का मूल्य अन्य जो दूध के उत्पाद है उनसे अधिक होता है, अतः कर्षक जहां पर भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है वहां क्या है काफी दूर क्षेत्र तक क्या है बड़े बड़े नगरों तक दूध को भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि दूध का मूल्य है ताजे दूध का मूल्य है वो अन्य दूध उत्पादक से अधिक होता है, अतः कर्षक जहां परिवहन की सुविधा मिल जाती है तो अधिक दूर तक काफी दूर तक बड़े बड़े नगरों तक दूध भेजना पसंद करते हैं। जैसे पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो ट्रांसवाल है ये वाला भाग आपका है ट्रांसवाल वाला कौन सा है दक्षिणी पश्चिमी ट्रांसवाल, इस दक्षिण पश्चिमी ट्रांसवाल क्षेत्र है इससे एक यहां पर स्थान है रेलवे, यहां तक क्या है दूध का दूध को भेजा जाता है। इसी प्रकार से नेटाल, यहां से नेटाल से दूध है काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, यहां से डरबन को ये दूध भेजा जाता है, ये डरबन है और ये क्षेत्र क्या आपका नेटाल वाला क्षेत्र है पूरा, और यहां पर आपका क्या है जो रेंट क्षेत्र यहां है, तो इससे क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी जो ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है वो क्या है कि दक्षिण पश्चिमी रेंट वाला क्षेत्र है वहां पर आपका दूध का उत्पादन है वो रेंट को भेजा जाता है दक्षिणी पश्चिमी ट्रांसवाल में रेंड के लिए, दक्षिणी पश्चिमी ट्रांसवाल से रेंड के लिए तथा नेटाल से, नेटाल की ये क्षेत्र नेटाल है और नेटाल का क्षेत्र काफी दूर पड़ता है डरबन, वहां तक क्या है दूध को भेजा जाता है। तो कर्षक है जहां परिवहन सुविधा अधिक मिल जाती है वहां 320 किलोमीटर तक दूध को भेज देते हैं। तो जहां चूंकि ताजा दूध होता है ताजे दूध का जो मूल्य होता है वो अन्य दूध के उत्पादों से मूल्यों से अधिक होता है, मूल्य इसका ताजे दूध का मूल्य है वो अन्य दूध उत्पादों से अधिक होता है, अतः कर्षक है जहां परिवहन सुविधा मिल जाती है वहां दूध को क्या है 320 किलोमीटर तक दूध को भेज देते हैं, दूध बड़े बड़े नगरों तक भेज देते हैं बड़े नगरों तक दूध को, जहां परिवहन की सुविधा होती है तो ताजे दूध को क्या है
परिवार के लिए जहाँ सुविधा मिल जाएगी, जहाँ परिवार की सुविधा मिल जाएगी, तो 320 किलोमीटर तक की दूरी तक बड़े बड़े नगरों तक दूध को भेजना पसंद करते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी त्रासवाद है ये, इससे रेंड के लिए तथा नेटाल के, नेटाल है, नेटाल से डरबन के लिए ताजे दूध का उत्पादन है, वो अधिक दूर तक भेजा जाता है या दूध को भेजना पसंद करते हैं। वहाँ के लोग हैं वो ताजे दूध को का उत्पादन अधिक होता है, और आसपास क्षेत्र से इन बड़े नगरों में डरबन में रेंड में इनमें भेजना पसंद करते हैं। ताजा दूध का उत्पादन केंद्र बंदरगाह के निकट भी हो गया है, और यद्यपि यहाँ के इनके निकट प्राकृतिक घास तो नहीं है, तो निकट क्या करते हैं कि चारागाहों का अभाव होने पर यहाँ पर चारा उत्पन्न किया जाता है, चारा को उबाल जाता है। तो जो बड़े नगर हैं जैसे आप पता है केप टाउन है, पूर्वी लंदन है, डरबन है, इन क्षेत्रों में क्या है कि एलिजाबेथ है, पोर्ट एलिजाबेथ है, इन क्षेत्रों में क्या है कि आपका क्या कि इन बड़े नगरों में दूध की मांग अधिक है, तो दूध की मांग अधिक होने के कारण से जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या है कि चारागाहों का अभाव पाया जाएगा, प्राकृतिक चारागाहों का अभाव पाया जाएगा। तो जो आपको क्या है ईस्ट लंदन है, पूर्वी लंदन है, डरबन है, केप टाउन है, इन बड़े बड़े बंदरगाहों में, केप टाउन है, एलिजाबेथ है, में दूध वाले पशुओं को घास उत्पन्न करके, चारा उत्पन्न करके, चारा उगा के पालते हैं। तो बड़े नगर में जहाँ है वहाँ पर भी क्या है डेयरी उद्योग का विकास है वो अधिक हुआ है। तो आपके केप टाउन है, पूर्वी लंदन है, डरबन है आदि बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ क्या चारागाहों का अभाव, प्राकृतिक चारागाहों का अभाव है, लेकिन क्या है दूध वाले पशुओं को पालने के लिए क्या करते हैं कि घास को उगाते हैं, और घास को उगा के क्या है पशुओं को पालते हैं। दूसरा इसी में है जैसे मक्खन है, मक्खन और चीज, मक्खन और चीज का उत्पादन भी क्या है काफी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, चीज, मक्खन और चीज इसका उत्पादन भी क्या है काफी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो मक्खन और चीज का उत्पादन इस पर क्या है इसको बाजार प्रभावित नहीं करता है, इन दोनों चीजों को क्या है बाजार ये प्रभावित नहीं होता है, नहीं पड़ता है। तो दूध के अलावा क्या है मक्खन है और चीज, इन दोनों चीजों को क्या है बाजार प्रभावित नहीं करता है, बाजार प्रभावित नहीं करता है, इसका मतलब क्या है बाजार द्वारा नियंत्रित नहीं है, बाजार द्वारा नियंत्रित किस प्रकार से नहीं है इसको कहीं पर भी किया जा सकता है, दूर भी किया जा सकता है, नगरों से दूर किया जा सकता है, परिवहन के जहाँ साधन लंबी दूरी के हैं वहां पर साधनों का आगे क्या है कि उत्पादन किया जा सकता है। तो क्या है मक्खन और चीज होता है उसका उत्पादन बाजार द्वारा नियंत्रित नहीं है, क्योंकि मक्खन निकालने के लिए फैक्ट्री होती है वो कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, फैक्ट्री है इनके लिए जो फैक्ट्री स्थापित होती है, फैक्ट्री कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, फैक्ट्री कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि जो फ्री स्टेट, ये वाला क्षेत्र फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट के पास में, और आप क्या है फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में नदी है केरो बिना, फ्री स्टेट में जो आपकी केलोडन, केलोडन नदी का नाम है, केलोडन नदी का ही फ्री स्टेट, फ्री स्टेट कहाँ ये वाला स्टेट, फ्री स्टेट में, इस फ्री स्टेट में आपके क्या है जो नदी का नाम है केलोडन नदी, इस केलोडन नदी क्षेत्र उत्तरी के, उत्तरी के, उत्तरी के क्षेत्र में, और जहां कम स्वास्थ्य पर जैसे जलवायु है दूर से अपन मना सकते हैं, उन क्षेत्रों में क्या है कि मक्खन और चीज का उत्पादन है अधिक मात्रा में किया जाता है। तो मुख्य रूप से क्या है मक्खन और चीज का उत्पादन बाजार द्वारा नियंत्रित नहीं है, क्योंकि मक्खन निकालने के लिए फैक्ट्रियों का वो कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। जो आपका फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में केलोडन, केलोडन नदी है,
इस क्षेत्र में उत्तरी के और ट्रांसवाल, उत्तरी के और ट्रांसवाल, ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है। इस ट्रांसवाल वाला क्षेत्र तीन क्षेत्र है, जो आपका फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में केलोडन नदी, उत्तरी के और ट्रांसवाल, इन क्षेत्रों में जो चीज का और मक्खन का उत्पादन है वो दूरगामी क्षेत्र में किया जाता है। इन तीनों क्षेत्र का आप है फ्री स्टेट में केलोडन नदी, उत्तरी के ट्रांसवाल, फ्री स्टेट, उत्तरी के और ट्रांसवाल, इनके दूरगामी क्षेत्र है। वहां पर क्या है कि मक्खन का उत्पादन है, मक्खन निकाला जाता है, मक्खन का उत्पादन किया जाता है, इनके दूरगामी क्षेत्र मक्खन का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। ट्रांसवाल की केलोडन नदी, उत्तरी के और ट्रांसवाल क्षेत्र है, फ्री स्टेट का केलोडन नदी है, उत्तरी केप है, ट्रांसवाल, इनके दूरगामी क्षेत्र है। वहां पर क्या क्या है कि मक्खन और चीज का उत्पादन है, उनकी कुछ फैक्ट्रियां लगी हुई है दूरगामी क्षेत्रों में, वहां से उत्पादन कर दिया जाता है और बड़े नगरों को भेज दिया जाता है। कालाहारी जो मरुस्थल है या कालाहारी मरुस्थल इस क्षेत्र में है, इस कालाहारी मरुस्थल के जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर भी उत्पादन है, वो फैक्ट्रियों में अधिक होता है। क्या है कालाहारी, ये कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल के जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर भी उत्पादन है, फैक्ट्रियों में अधिक उत्पादन किया जाता है और वहां से क्या है नगरों को भेज दिया जाता है। इसी में आपका पॉइंट अगला है गोमांस उत्पादन, पशुपालन में ही गोमांस उत्पादन, पशु उत्पादन के विस्तार, पशुओं का उत्पादन है उसका विस्तार और दूध व्यवसाय के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय होने से जो गोमांस उत्पादन वाले पशुओं का पालन है वो गर्म और शुष्क और कम स्वास्थ्यप्रद प्रदेशों में स्थानांतरित हो गया। जहां पशुओं का विस्तार होने से और दूध वाले व्यवसाय है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय होने के कारण से ये मांस व्यवसाय है या मांस को पालने वाले पशुओं का पालन है ये मुख्य रूप से कहां हो गया, जहां गर्म शुष्क आपका मौसम रहता है, गर्म है, शुष्क व्यवसाय है और जो कम स्वास्थ्यप्रद है, कम स्वास्थ्यप्रद, कम स्वास्थ्यप्रद है, गर्म है, शुष्क, इन क्षेत्रों में क्या है कि ये व्यवसाय स्थानांतरित हो गए हैं। ऐसे क्षेत्र बुशलैंड है, तो बुशलैंड क्षेत्र में और लो वेल्ड है, इसमें लो वेल्ड, लो वेल्ड क्षेत्र है, बुशलैंड क्षेत्र है, लो वेल्ड ही ग्रोवर्स है। यहां पर क्या है ये व्यवसाय है कि मुख्य रूप से डेगन वर्क्स, डेगन सड़क, ये पहाड़ी क्षेत्र आपका है डेगन सड़क वाला इस क्षेत्र में और लो वेल्ड और बुशलैंड में ये व्यवसाय है। ये मुख्य रूप से जो गोमांस उत्पादन वाले पशु हैं उनका उत्पादन अधिक किया जाता है। तो जहां फसल उत्पादन, फसल उत्पादन का विस्तार होने से दूध व्यवसाय के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लोकप्रिय होने के कारण से जो गोमांस उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं वो गर्म शुष्क कम स्वास्थ्यप्रद प्रदेशों की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। ऐसे क्षेत्र क्या आपके जो बुशलैंड क्षेत्र है, लो वेल्ड क्षेत्र है और डेकन वर्क्स, जो पहाड़ी आपके डेकन वर्क्स की, डेकन वर्क पर्वतीय क्षेत्रों के दूर वाले प्रदेशों में ये गोमांस उत्पादन वाले क्षेत्र है ये फिर गए हैं। इस क्षेत्रों में पशुओं को मक्का खिलाई जाती है, पशुओं को मक्का, मक्का खिलाकर मोटा किया जाता है और जो अफ्रीकी कैटल वाले पशुओं को अधिक पाला जाता है। कौन से पशु हैं अफ्रीकी कैटल,
एफ्रिकेटर वाले जो पशु हैं उनका उत्पादन है। ये अफ्रीकी कैटर वाले जो पशु होते हैं इनके त्वचा मोटी होती है और घने बाल होते हैं, तो तापमान को सहन कर सकते हैं और प्रजनन होता है उस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कीड़े काटने पर जो विष है वो शरीर तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से जो अफ्रीकी कैटर वाले पशु हैं उनका उत्पादन अधिक किया जाता है। तो गोमांस वाले पशुओं का मुख्य रूप से उत्पादन है या इनका जो विस्तार है ये मुख्य रूप से गर्म शुष्क और कम स्वास्थ्य प्रदेशों को स्थानांतरित हो गया। जो फसलों का उत्पादन होता है उन फसलों का अफ्रीका में निरंतर क्या है, पशुओं का विस्तार होने से और दूध व्यवसाय के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय होने के कारण से जो मांस उत्पादक है या जो गो मांस उत्पादक क्षेत्र है ये केवल क्या है कि गर्म शुष्क और कम स्वास्थ्य प्रदेशों की ओर स्थानांतरित हो गया है। इससे आपको बताया है कि बुशलैंड है आपका, बुशलैंड क्षेत्र है, लोवेंड है, डेकन्स वर्ल्ड के जो पहुंच से दूर वाले क्षेत्र हैं, पहुंच से दूर वाले क्षेत्र हैं वहाँ स्थानांतरित हो गए हैं। इन प्रदेशों में क्या है पशुओं को मक्का खिलाई जाती है और मक्का खिलाकर उनको मोटा किया जाता है। यहाँ अफ्रीकन कैटर के पशु हैं वो अधिक पाले जाते हैं क्योंकि उनकी त्वचा होती है वो आपकी त्वचा मोटी होती है और घने बाल होते हैं जो क्या है कि गर्मी को सहन कर सकते हैं, गर्मी के तापमान को में भी क्या है सम बने रहते हैं, तापमान को सम बनाए रखते हैं। त्वचा मोटी होती है, घने बाल होते हैं, उसका क्या फायदा होता है कि शरीर के तापमान को सम बनाए रखते हैं। प्रजनन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होता है, अप्रभावित रहता है, और जो कीड़े काटने पर क्या है जो विष फैलता है उस विष फैलने को भी रोकती है, विष फैलने को रोकती है। कौन सी उसकी मोटी त्वचा। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, दक्षिण अफ्रीका में दूध व्यवसाय और गोमांस उत्पादन। दक्षिण अफ्रीका में भेड़ और बकरी पालन। दक्षिण अफ्रीका में भेड़ों का महत्व है उस माप से लगाया जा सकता है कि यहाँ जो निर्यात मूल्य है उस हिसाब से सोने के बाद जो ऊन का द्वितीय स्थान है। भेड़ों का जो महत्व है वो इस माप से इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यहाँ जो निर्यात मूल्य है निर्यात मूल्य के हिसाब से सोने के बाद ऊन का द्वितीय स्थान है, ऊन का द्वितीय स्थान जो निर्यात मूल्य है, निर्यात मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो पहला स्थान तो है सोना, सोने के बाद में द्वितीय स्थान है वो किसका है आपके ऊन का है। तो दक्षिण अफ्रीका में भेड़ का महत्व है इसका महत्व का माप इस तथ्य से किया जा सकता है कि यहाँ निर्यात के कुल मूल्य के हिसाब से सोने के बाद ऊन का द्वितीय स्थान है। भेड़ का मांस घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता है। यहाँ ऊन देने वाली वह ऊन रहित दोनों प्रकार की भेड़ों का पालन किया जाता है। यहाँ ऊन देने वाली वह ऊन रहित दोनों प्रकार की भेड़ों का पालन किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ दोनों ही प्रकार की भेड़ें पाली जाती है, ऊन देने वाली और ऊन रहित भेड़। सन 1953 में ऊन देने वाले भेड़ों की संख्या 31 मिलियन थी। 1953 में ऊन देने वाले भेड़ों की संख्या थी 31 मिलियन 1953 में जो ऊन देने वाली भेड़ थी, ऊन देने वाली भेड़ों की संख्या थी वो 31 मिलियन थी, जो 1990-91 में बढ़कर इनकी संख्या है वो पशु गणना के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में जो भेड़ों की संख्या है वो 70 मिलियन हो गई,
70 मिलियन भेड़। जनगणना के अनुसार 90 काल में जनगणना हुई तो 90 पशु गणना हुई थी। 90 काल में उसके अनुसार दक्षिण अफ्रीका में जो ऊन देने वाले भेड़ों की संख्या है वो 70 मिलियन तक पहुंच गई। ऊन रहित भेड़ों की जो अफ्रीकन नस्ल है, काले सिरवानी पर्शियन कारकुल जो पसंद है, अफ्रीकन कैटर वाली पसंद है, कारकुल पसंद है आपकी जो नस्ल है, और दूसरे काले सिरवानी पर्शियन, ये तीन प्रकार की नस्ल यहाँ और पाई जाती है जो ऊन रहित भेड़ है। ऊन रहित भेड़ों में आपके मुख्य रूप से अफ्रीकन कैटर वाली भेड़ें, कराकुल भेड़, काले सिर वाली पर्शियन भेड़, ये मुख्य रूप से ऊन रहित भेड़ें हैं। इसके अलावा मेरिनो नस्ल मुख्य नस्ल है जो ऊन देने वाली है। मेरिनो नस्ल भी यहाँ जो यूरोप से लाई गई है यहाँ पर भेड़े, और ये मेरिनो ऊन देने वाली मुख्य फसल है, आपकी नस्ल है जो ऊन देती है, जो ऊन के लिए पाली जाती है। तो यहाँ जो मेरिनो नस्ल है ये यूरोप से लाई गई है। मेरिनो नस्ल ये नस्ल यूरोप से लाई गई है और ये सिर्फ किसके लिए है, ऊन के लिए, इनसे ऊन प्राप्त होती है। ये फसल उनके लिए नस्ल है, ये उनके लिए पाली जाती है। तो मुख्य रूप से क्या है कि मेरिनो नस्ल है। इसके अलावा तीन जो आपकी अफ्रीकन कैटल है, कराकुल है, काले सिरवानी, पर्शियन, ये मांस के लिए भेड़े हैं और जो उनके लिए है वो मेरिनो नस्ल है। तो मेरिनो नस्ल है की भेड़ है ये यूरोप से लाई गई है और इसका पालन उनके लिए किया जाता है। ऊन देने वाले भेड़ों की संख्या है उसका सर्वाधिक घनत्व है और सर्वाधिक संख्या है वो आपकी उत्तरी पूर्वी केप, उत्तरी पूर्वी केप, ऑरेंज फ्री स्टेट, ये मुख्य क्षेत्र है जहां मेरिनो नस्ल पाई जाती है। ये जो नस्ल आपके देखो, ये आपका जो क्षेत्र है ये मेरिनो नस्ल के लिए है, और ये आपको प्लॉट से देखा गया है ये मेरिनो नस्ल है। इसका जो सर्वाधिक भेड़ों की संख्या है उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या है इसकी वो उत्तरी पूर्वी केप में है, ऑरेंज फ्री स्टेट के निकटवर्ती भाग में पाई जाती है। ऑरेंज फ्री स्टेट ये वाला बीच वाला भाग है और जो केप वाला ये वाला भाग आगे वाला है, जो उत्तरी पूर्वी केप, ये उत्तरी पूर्वी केप वाला भाग है, ये उत्तरी पूर्वी केप और ये ऑरेंज फ्री स्टेट। तो यहाँ मुख्य रूप से जो भेड़ों की संख्या का घनत्व देखें और संख्या देखें उसी लिहाज से जो इनकी संख्या है वो उत्तरी पूर्वी केप, ये उत्तरी पूर्वी केप वाला भाग है और दशा दूसरा भाग आपका है ऑरेंज फ्री स्टेट। तो इनकी मुख्य संख्या यदि ऊन देने वाले भेड़ों की संख्या का सर्वाधिक घनत्व देखें तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ है इसका, ये उत्तरी पूर्वी के आपका प्रांत है और ये ऑरेंज फ्री स्टेट, इनमें मुख्य रूप से ये आपकी क्या है फसल, आपकी नस्ल है मेरिनो प्रकार की भेड़ है, ये सर्वाधिक पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर स्वीट ग्रास और वेल और करो झाड़ियाँ वर्ष भर पाई जाती है, वनस्पति प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्वीट ग्रास कारो झाड़ियाँ इस क्षेत्र में क्या है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपकी स्वीट घास मीठी घास है और कारो झाड़ियाँ ये वर्ष भर मिलती है, वर्ष भर पाई जाती है। इसलिए क्या है यहाँ भेड़ों की संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में घनत्व अधिक है। ट्रांसवाल और नेटाल के समाना प्रदेश है और उत्तरी के ये जो आपको भेड़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है सवाना प्रदेश दिख रहा है, ट्रांसवाल वाला क्षेत्र दिख रहा है, नेटाल वाला क्षेत्र दिख रहा है आपका है, उत्तरी आपका केप वाला प्रदेश प्रांत है, इनमें भेड़ों की संख्या है वो नहीं पाई जाती, यहाँ भेड़ नहीं पाली जाती है। ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, सवाना प्रदेश वाला क्षेत्र है आपका, नेटाल वाला क्षेत्र है और उत्तरी केप में भेड़ नहीं पाली जाती, इस क्षेत्र में भेड़ है वो नहीं पाली जाती।
इस प्रदेश में ऊन रहित जो भेड़ है वो पाली जाती है, इसे क्या ऊन रहित है वो भेड़ पाली जाती है। कारू के अतिरिक्त अन्य ऊन रहित भेड़ वाले क्षेत्र है वो केवल मांस के लिए पाली जाती है। कारू क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जो जितने भी क्षेत्र है, ये कारू प्रदेश है, कारू प्रदेश के अतिरिक्त अन्य जितनी भी भेड़ें पाली जाती है वो मांस के लिए पाली जाती है। पूर्वी हाई वेड में मेरिनो नस्ल है और मांस के लिए, दोनों के लिए भेड़ें पाली जाती है। पूर्वी हाई वेड है ये वाला भाग आपका, इसे में जो भेड़ें पाली जाती है पूर्वी हाई वेड में जो भेड़ें हैं वो मेरिनो ऊन के लिए और भेड़ें मांस के लिए पाली जाती है। ऊन का उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात के लिए किया जाता है और निर्यात मुख्य रूप से पोर्ट एलिजाबेथ है, पूर्वी लंदन है, केप टाउन है, इनसे बड़ी संख्या में क्या है यहाँ ऊन का निर्यात किया जाता है। ईस्ट लंदन है आपका, केप टाउन है, यहाँ से ऊन का निर्यात किया जाता है। ब्रिटेन यहाँ के ऊन का सबसे बड़ा ग्राहक है, ब्रिटेन यहाँ का ऊन का सबसे बड़ा ग्राहक है। आजकल क्या है जर्मनी और जापान, इसको भी क्या है निर्यात कर दिया जाता है, यहाँ से भी क्या है ये भी बड़े ग्राहक बन गए हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि मुख्य रूप से तो ये ब्रिटेन इसका बड़ा ग्राहक है, जर्मनी और जापान में भी इसका निर्यात कर दिया जाता है। तो कुल मिला के बात करने का अर्थ है ये है कि मुख्य रूप से ये भेड़े हैं आपकी हैं, इसमें देखो मेरिनो नस्ल है, ये आगे वाला भाग आपका है जिसमें आपका जो वेल्ड वाला भाग आपका है, प्री स्टेट वाला भाग है, ऑरेंज प्री स्टेट वाला भाग है, यहाँ मेरिनो नस्ल की आपकी भेड़ें पाली जाती है। इसके अफ्रीका, ये अफ्रीकन नस्ल की भेड़ें हैं आपकी, और इसके अलावा जो काराकुल वाली भेड़ है, ये वाला भाग ये काराकुल वाली भेड़ है, और काले सिर वाली पर्शियन भेड़, ये काले सिर वाली पर्शियन भेड़ यहाँ पर देखती है। ये मांस के लिए है तीनों नीचे वाली, और ये ऊन के लिए, ये तो है ऊन के लिए, और ये तीनों है मांस के लिए। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भेड़ों का महत्व है, इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यहाँ जो निर्यात मूल्य है उस निर्यात मूल्य के हिसाब से सोने के बाद में, इस सोने के बाद में उनका द्वितीय स्थान है। भेड़ मांस के लिए घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ ऊन देने वाली और ऊन रहित दोनों प्रकार की भेड़ें पाली जाती है। 1953 में भेड़ों की संख्या थी 31 मिलियन, जो 1991 में बढ़ गई, कितनी होगी आपकी जो पशु जनगणना हुई थी उसके अनुसार इनकी संख्या बढ़कर होगी 30 मिलियन भेड़े। यहाँ ऊन देने वाले भेड़े हैं उसमें मुख्य रूप से मेरिनो नस्ल की भेड़े हैं जो यूरोप से निर्यात करके मंगाई गई है और उसका पालन किया जाता है। जो ऊन नहीं देने वाली भेड़े हैं जो मांस के लिए पैदा की जाती है वो अफ्रीकन भेड़ की है, काराकुल की है, और काले सिर वाली पर्शियन भेड़ है। मेरिनो नस्ल की जो भेड़े हैं ये यूरोप से यहाँ पाली जाती है, और मुख्य रूप से ऊन देने वाली भेड़ों की संख्या है उसका सर्वाधिक घनत्व है वो आपका उत्तरी पूर्वी केप, और आपका मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी केप है, ऑरेंज ब्रिज स्टेट है उसके निकटवर्ती क्षेत्र भागों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी केप और ऑरेंज ब्रिज स्टेट, यहाँ मुख्य रूप से मेरिनो नस्ल की भेड़ें पाली जाती है जो उनके लिए पाली जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्वीट ग्रास है, वेल्ड है, यहाँ पर मुख्य रूप से स्वीट ग्रास है, वेल्ड घास मैदान है, और आपके कारू झाड़ियां इन क्षेत्रों में फैली हुई है, इसलिए ये भेड़ पालन के लिए उपयुक्त स्थान है चढ़ने के लिए। वर्ष भर यहाँ पर क्या है कि आपके घास मिल जाता है इनको, तो स्वीट घास है, वेल्ड है, कारू झाड़ियां वर्ष भर चढ़ने के लिए वनस्पति प्रदान करती है। पूर्वी हाई वेल्ड और दक्षिणी पश्चिमी केप में भी ऊन देने वाली भेड़ें पाली जाती है। ये देखो आपका क्या है हाई वेल्ड वाला क्षेत्र, ये हाई वेल्ड वाला क्षेत्र है, और इसमें क्षेत्र के अलावा जो दक्षिणी पश्चिमी केप, ये दक्षिणी पश्चिमी केप वाला क्षेत्र है, इसमें केप टाउन भी आपका क्षेत्र है, केप टाउन बंदरगाह है, ये वाला क्षेत्र है, इसमें दक्षिणी पश्चिमी केप क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या है भेड़े पाली जाती है, ऊन देने वाली भेड़े पाली जाती है। ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है,
और दूसरा आपका जो उत्तरी केप है सो सवाना प्रदेश वाला क्षेत्र है, ट्रांसवाल है, नेटाल का सवाना प्रदेश वाला क्षेत्र है, उत्तरी आपका केप वाला प्रदेश है। यहाँ पर क्या है कि भेड़ पालन नहीं होता है, यहाँ भेड़ पालन के स्थान पर मांस देने वाली भेड़ें हैं उनका पालन किया जाता है। कारू प्रदेश के अतिरिक्त, ये कारू प्रदेश है, इसके अतिरिक्त जितनी भी भेड़ें पाली जाती है वो अक्सर इसके लिए मांस के लिए पाली जाती है। कारू प्रदेश में क्या है, ऊन के लिए पाली जाती है। कारू प्रदेश के अतिरिक्त ऊन देने वाली ऊन रहित भेड़ें हैं वो मांस के लिए पाली जाती है। पूर्वी हाई बेल्ट में जो मेरिनो नस्ल है और मांस देने वाली भेड़ है दोनों प्रकार की भेड़ों का पालन किया जाता है पूर्वी बेल्ट में। पूर्वी बेल्ट में दोनों प्रकार की भेड़ों का जो मुख्य रूप से है वो पालन किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि पूर्वी हाई बेल्ट है उसमें मेरिनो नस्ल की ऊन और भेड़ देने वाली दोनों प्रकार की भेड़ें पाली जाती है। ऊन का उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए किया जाता है। ऊन का उत्पादन है, ऊन का उत्पादन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, निर्यात के लिए। ऊन का उत्पादन है वो निर्यात के लिए किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से पोर्ट एलिजाबेथ है, पूर्वी लंदन है, केप टाउन बंदरगाहों से बड़े जो बंदरगाह है उन निर्यात के लिए, पोर्ट एलिजाबेथ है ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक, ये पोर्ट एलिजाबेथ है ये यहाँ का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक केंद्र है, बंदरगाह है। ईस्ट लंदन, पूर्वी लंदन है, केप टाउन है, यहाँ से भी ऊन का निर्यात किया जाता है। यहाँ से ब्रिटेन, यहाँ से जितना भी ऊन है उसका अधिकांश भाग है वो ब्रिटेन को सबसे बड़ा ग्राहक है। ब्रिटेन या ब्रिटेन की जो ब्रिटेन को जो ऊन का निर्यात किया जाता है वो यहाँ से मुख्य रूप से किया जाता है। ब्रिटेन यहाँ की ऊन का सबसे बड़ा ग्राहक है, ब्रिटेन यहाँ की ऊन का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके अतिरिक्त जो अब जो जर्मनी है और जापान को भी बड़े ग्राहक बन गए हैं, ये भी यहाँ पर भी निर्यात किया जाता है, जर्मनी और जापान में भी ऊन का निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूअर पालन है और मुर्गी पालन भी मुख्य रूप से मुख्य व्यवसाय है, पालन किया जाता है। तो गोवश है भेड़ पालन के अतिरिक्त सुअर पालन है और मुर्गी पालन भी यहाँ मुख्य रूप से किया जाता है, महत्वपूर्ण व्यवसाय है। 1990-91 में 12.70 लाख सुअर यहाँ थी, सुअरों की संख्या है वो 1990-91 में 12.7 लाख थी। उम्मीद करता हूँ ये दोनों वीडियो हैं जो पशुपालन से संबंधित है। बड़ा क्वेश्चन आता है आपके अफ्रीका में पशुपालन, पशुपालन का विकास किस प्रकार से हुआ है, पशुपालन का महत्व क्या है दक्षिण अफ्रीका में, पशुपालन यहाँ के मुख्य व्यवसाय है स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ आपको बड़ा प्रश्न मिल सकता है ये साल कि दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन बताइए, डेयरी उद्योग बताइए और यहाँ का क्या है गोमांस उत्पादन, भेड़ बकरी पालन, सुअर पालन, यहाँ के महत्वपूर्ण क्या है आपके पशुपालन क्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ ये सब टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको मन लगा के पढ़ाई करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो सुना देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।